भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों, देश भर से हमारे साथ जुड़े हमारे सभी सहयोगी, सबसे पहले तो मैं देश के कोने कोने में मातृभूमि की सेवा में लगे हुए, जन जन के कल्याण में खप रहे भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। जनसंघ से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, आर राज्य भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली, इस पार्टी के रूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं, मुझे भी आप सबके बीच में रहकर के इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता, क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है, और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, राजस्थान की धरती पर है तब हम सबको श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज ये वर्ष श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष का हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राजस्थान की धरती, राजस्थान की बात हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा हो, तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे दिग्गजों की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला, और उन सबका स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की बात हो, आदरणीय जगदीश प्रसाद माथुर जी का स्मरण आना, भानु कुमार शास्त्री जी, हमारे रघुवीर सिंह कौशल जी, हमारे भंवरलाल शर्मा जी, हमारे गंगाराम कोहली जी, अनगिनत नाम, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दिशा दिखाई, पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे ही अनगिनत समर्पित जीवन का हमें स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है, और इसीलिए जब कमल पुष्प की रचना हुई है, और मैं पार्टी को अभिनंदन करता हूं, आज इस कमल पुष्प पे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के जीवन की जो कथाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में प्रेरक है। मैं तो आप सबको कहता हूं, कभी भी मन में आलस आ जाए
पल भर के लिए उस कमल पुष्पों को मोबाइल फोन से खोल करके देखिए, ऐसी प्रेरणा की कथाएं हैं, ऐसी प्रेरक जीवन की घटनाएं हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है।